हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश रहे दाता, सदा सुखी। हमेशा की तरह शो की शुरुआत करें उससे पहले विषय जान लेते हैं। देखिए, पैसा किसे बुरा लगता है? हर व्यक्ति चाहता है कि वो अमीर बने, लेकिन कभी कभार मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी भी धनवान नहीं बन पाता और उसका पूरा जीवन गरीबी में बीत जाता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे कैसे बरसेगी, उसके बारे में बात करेंगे कि इसका हमारी कुंडली से किस प्रकार संबंध होता है। पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। मेहनत और लगन से काम करने पर भी क्यों नहीं आता है पैसा? पूजा पाठ करने के बाद भी क्यों रूठी रहती है माँ लक्ष्मी? आपकी गरीबी कैसे दूर होगी, कैसे बरसेगा पैसा? माँ लक्ष्मी के कौन से उपाय से आप बनेंगे धनवान? तो चलिए शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को जरूर लाइक करें। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पर आप मेल कीजिए, उसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे पर उससे पहले जानना चाहेंगे गुरुदेव से कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृह जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। गुरुदेव, हमारा गुरु मंत्र शो इतना बड़ा हो गया है कि आज हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनके मन में कई सवाल भी होंगे। पर आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम सब चाहते हैं कि हम अमीर हो, चाहे हम सर्विस सेक्टर में हो, चाहे हमारा कोई कारोबार हो, पर होता क्या है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें उसका फल ही नहीं मिलता और पूरा जीवन बस गरीबी में ही बीत जाता है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जो एक इंसान को धनवान बनाते हैं? बड़ा इस सवाल का जवाब तो सारे ही लेना चाहते होंगे, है ना? आप माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर देखती हो उसमें क्या होता है? उसके अंदर आप देखो कि सेंटर में माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। जब हम देख रहे हैं उस वक्त देख रहे हैं कि राइट साइड पे गणपति जी बैठे हुए हैं, वो मोदक सामने रख के बैठे हुए हैं, और लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो माँ सरस्वती, उनकी भी तस्वीर होती है वहीं पे साथ में। पीछे से दो हाथी जो सफेद रंग के होते हैं वो गंगा बहा रहे होते हैं, और वहां नीचे कोई पानी या तालाब तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन माँ लक्ष्मी कमल पे बैठे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? क्या ये स्वरूप ही आपको सब कुछ दे देगा? क्या ये स्वरूप को देखने मात्र से आपकी जेबें भर जाएंगी, या इस स्वरूप को देखने मात्र से ही आप जीवन के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की पे निकल जाएंगे? कि ऐसा होगा क्या? ये तो आप हर दीपावली पे भी करते आ रहे हो, आगे पीछे भी साल के अंदर ज्यादा ना से ही तो 200 बार तो ये भी आप करते ही रहते हो, देखते भी रहते हो, लेकिन इससे तरक्की नहीं मिलती। माँ जो लक्ष्मी है, ये समझाया गया है, ये चित्र हमें ये समझा रहा है कि सही मायने में हमें करना क्या चाहिए जीवन के अंदर।
ये जिस वक्त में ये चित्रों का निर्माण हुआ उस वक्त में इंसान बहुत भोला हुआ करता था, तब ये लिखाई पढ़ाई वाले अक्षर भी नहीं थे ज्यादा, लोगों में साक्षरता नहीं थी, बस कहीं सुनी बातों से ही वो समझा करते थे, जिसकी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने ये वाले चित्रों का निर्माण करके हमें ये समझाया कि कौन सा भगवान हमें क्या देता है, लेकिन उसके पीछे की वो पूरी कहानी बताया करते थे और बच्चे को ये समझाया करते थे कि अगर इसको अपनाना है तो तुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब वो जो बताया करते थे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बेटा वो तो सारा भूल गए, अब याद रह गया सिर्फ चित्र ही चित्र जो माँ लक्ष्मी का है, बस जिसको देखते ही ना मन में एक उबाल सा उठता है, बस अब तो लक्ष्मी घर आएगी। सागे ऐसे लक्ष्मी नहीं घर आती बेटा, लक्ष्मी घर पे लाने के लिए जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस चित्र को पूरा चरित्रार्थ नहीं किया तो मतलब ही नहीं लक्ष्मी आई। और वो तरीका क्या है? सबसे पहले जन्म कुंडली के छठे घर की बात करते हैं, जिसकी कारक मां सरस्वती है, क्योंकि वो राहु का बहुत उच्च का घर है और राहु की जो अधिष्ठात्री है, जो राहु की जो देवी है, वो है मां सरस्वती। सरस्वती का काम क्या है? उनके हाथ में क्या है? वीणा है। वीणा का मतलब आप समझते हैं, यानी कि जिससे भी बोलो बहुत मीठा बोलो, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, तुम्हारे स्वर ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ जो वाक्य है दूसरे को इतना अट्रैक्ट करे, मीठा लगे, उसे अपना लगे, ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए जो तुम्हारे बड़प्पन पे घमंड के हो, जो सुबह सामने वाले को छलनी कर दे और वो तुझे कड़वी निगाहों से देखने लगे। और अगर ये कड़वी निगाहों से देखने वाला सीन पैदा कर दिया, यानी तुमने घमंड में बोल के सामने वाले को काटना शुरू कर दिया, तो बेटा यानी कि उससे जो तुम कमा सकते थे, जो तुम उससे करवा सकते थे, वो तुम अब नहीं करवा पाओ। ठीक है, चाहे वो आपका पियोन ही है, छोटा मामूली सफाई कर्मचारी है, कोई अफसर है, तुम्हारे घर का है, कोई बाहर का है, कोई पड़ोसी है, यानी कि हर किसी के साथ वाणी इतनी मीठी कि दूसरे के दिल में उतर जाओ। फिर लेकिन थोड़े से चलाक बन के रहो। चलाक बन के कैसे? जो तुमने लिखाई पढ़ाई करी है, जिससे कि हर बच्चा माँ बाप से दुखी होता है बचपन में इस बात से कि हमें पढ़ने लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तुम कुछ भी सीखो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें रोज सीखना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। जिसको पढ़ने का शौक नहीं है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इधर उधर की चीजों को, हालात को देखता हुआ सीखे, और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पुरानी से पुरानी साइंस को निकाल के पढ़े और जो जो नया हो रहा है उसको पूरा पढ़ के चले। ये सीखो, माँ सरस्वती ये सिखाती है। और हर किसी के साथ मीठा बोल के इतना दायरा अपना बढ़ा लो कि जहां देखो वहीं तुम्हारा अपना मिल जाए, जहां देखो वहीं अपना मिल जाए, जिस शहर में जाओ वहां पर भी तुम्हारा कोई जानकार होना चाहिए, इतना तुम्हारा दायरा बड़ा होना चाहिए। समझे? अब आ जाती गणेश जी की बात। गणेश जी हमें कहा जाता है बेटा ये जो कुलों का स्थान होता है ये गणेश जी होता है। जो भी इंसान टिक्के बैठ के प्लानिंग बनाता है, टिक्के बैठ के सोचता है अपने भविष्य के बारे में, अपने पास के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, और पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोच के जो इंसान आराम से सहजता से मीठा खाते हुए ठंडे दिमाग से जब सोचते हुए खुशी के मूड में सोचते हुए कोई चीज तैयार करता है, तो वो जो चीज जाती है। अब ये सरस्वती का ज्ञान और यहां इनका टिक्के बैठ के चलना, समझे, ये जन्म देता विचारों को, और विचारों का नाम भी राहु ही है। पॉजिटिवली प्लान बनाना, इसीलिए वो जो सफेद हाथी है ना पीछे से गंगा बहार है, ज्ञान की गंगा बहार है, वो ज्ञान की गंगा बहार है। और वो ज्ञान की गंगा इन दोनों के मिलन से होती है, यानी कि इधर ज्ञान, इधर धैर्य से बैठ के सोचना विचारना और अपनी जगह पे टिके रहना। समझे? इन सबको सोच के जब आप वो लगातार गंगा बहती चली जाती है तो वहां से, अब ये तो लगातार बहती जा रही है, हो सकता महीना, 15 दिन, हफ्ता, किसी के 2 दिन में, किसी के 5 साल भी, जब लगातार ये दिमाग का मंथन होता चला जाता है, इसमें से जब आइडिया फूटते हैं, अब रोज ही आइडिया फूटेंगे, रोज ही आइडिया आएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक आइडिया ऐसा आएगा आप सबको कि जो क्लिक कर जाए, उसको तुम एग्जीक्यूट भी कर दो हिम्मत के साथ, और जिस दिन वो एग्जीक्यूशन पे चला गया और वो किसी ने देख लिया या
वो काम कर गया उस दिन सारी लक्ष्मी ही तुम्हारे घर में आएगी कमल पर। इस चित्र का मतलब ये है, इस चित्र का मतलब ये है, और इस पर तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम करेंगे दिमाग प्लानिंग का, और तुम वाकई में बहुत अच्छी सोच को सोच के एग्जीक्यूट भी कर सको। उसके लिए कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के मंत्र बोलो, मां लक्ष्मी के मंत्र बोलो, और क्योंकि मां लक्ष्मी के मंत्रों की वाइब्रेशन उसमें ध्वनि में वो ताकत है कि वो आपकी सोई पड़ी नसों को जागृत कर दे, लेकिन सहजता के साथ, जोश के साथ नहीं, गुस्से वाले हालात के साथ नहीं, समझे। तो वही मां लक्ष्मी का जो श्री का मंत्र, श्री के मंत्र बेटा बहुत तरह के, आप अपने मंदिर के पंडित जी से भी कह दोगे ना कि हमें तो कोई भी लक्ष्मी जी का अच्छा मंत्र दे दो बेटा, वो दे देंगे, क्योंकि पंचांग में रोज ही लिखे होते हैं, ठीक है। एम ह्लीम क्लीम श्रीम ये तो सारे बोलते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र का भी जाप करोगे दिमाग की नसें खुल जाएंगी, आइडिया काम करने लगेंगे। तो बेटा सही मायने में मां लक्ष्मी के चित्र के पीछे ये समझाया गया, हमें ऋषि मुनियों ने ये समझाया था। तो इसीलिए पूजा जरूर करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। इस चित्र को देखते ही तुम्हें अपने कर्म का आभास हो जाना चाहिए कि सही मायने में इसको जिंदगी के अंदर अपनाने के लिए, इस मां लक्ष्मी को पाने के लिए तुम्हें कितना सारा अभी कर्म करना है। गणेश जी की तरह धैर्य रखना है, सरस्वती जी की तरह ज्ञान होना चाहिए, मंथन चलता रहना चाहिए, जान पहचान को इस्तेमाल करना चाहिए, और करके अपने काम को सिद्ध करो, तब लक्ष्मी आएगी, समझे। और इसमें मदद क्या करता है, इसमें मदद करेगा मंत्र। जो भी इंसान लक्ष्मी का मंत्र करके चलेगा, श्री का मंत्र करके चलेगा, उस इंसान की दिमाग की नसें खुली रहेंगी, और उसको सही मायने में दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाना है ये आइडिया अपने आप ही आते रहेंगे, वो भी मीठेपन में। तो बेटा ये लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करो, श्री के मंत्रों का जाप करो, और अपनी जिंदगी में सदा सुखी रहो, लेकिन ध्यान ये सारी मां लक्ष्मी के चित्र वाली मेहनत का रखना, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं, कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा ना बढ़ने दें, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा, लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है, भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है, घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है, और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। गुरुदेव समय हो गया है दर्शकों से भी सवाल लेने का, अगर आप लोगों की अपनी कुंडली से भी संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बस जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए, फिर उसके मुताबिक आप सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1980, ठीक है, 4:30 AM। टाइम क्या बेटा? 4:30 AM। ओके, प्लेस क्या है? बागपत। क्या सवाल है आपका? सवाल जॉब से संबंधित है, और मैंने कुछ उपाय भी किए थे, लाल किताब अमृत बनवाई थी, लेकिन उसके बाद एसआईकेएम चेंज बनवाई, उसमें काफी उपाय किए जिससे मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और इम्प्रूव किया जाए लाइफ में, तो उसके लिए मैं आपसे मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा अभी हम जिसका जिक्र करते हटे थे, मैंने कल के एपिसोड में भी बताया था कि अगर अपने आप को सक्सेस करना है तो छठे घर को जागृत करना बहुत जरूरी है, और ग्यारहवें घर का भी साथ में जागृत होना यह बहुत जरूरी है अपने पूरी तरह से लाभ को कमाने के लिए। तुम्हारी कुंडली के अंदर क्या हुआ बेटा कि काल सर्प दोष पांचवें घर से ग्यारहवें घर का बन गया, जिसकी वजह से छठा घर तो बेचारा बिल्कुल ही सोया हुआ है, उसमें ताकत ही नहीं है,
और जब ये छठा घर सो गया और उस तक किसी भी ग्रह की ऊर्जा ही नहीं पहुंचनी उसको जगाने के लिए, तो यानी कि वो वाली प्रैक्टिकल जिनको तुम करके वहां तक पहुंच जाओ वही नहीं तुम्हारे दिमाग में आएंगे, वही पूरी वर्किंग पे नहीं आ पाएंगे। ग्यारहवें घर में क्योंकि खराब वाला राहु पहुंच गया जिसकी वजह से ये तुम्हारे लाभ को उल्टा डुबोरा, यानी कि जो तुमने सीखा जो तुमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तुम उसी काम को करके आगे बढ़ जाओ, ये वो नहीं होने दे रहा। तो बेटा ये सही मायने में ये दो कमियों के कारण तुम्हारा जिंदगी में अधूरापन है कामकाज को लेकर के। अब तुम चाहते हो तुम्हें मिले सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी देने वाला सूर्य तो लगन में बैठा है, वो तो तैयार है, लेकिन जो इसके कारक बनेंगे छठे और ग्यारहवें घर ये दोनों तैयार नहीं है। अब इसको जगाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वही 43 दिन तक कुएं में थोड़ा सा दूध गिरा। कुएं में दूध गिराने से छठा घर इतने ज्यादा एक्टिव होगा, उसमें से जब तुम कुएं में दूध गिराओगे बेटा उस वक्त में वो अंदर की जो ताकत है यानी कि अंदर की वो उसके अंदर ऊर्जा होगी उसके साथ जैसे ही दूध छुएगा वो जो एक तरह का वाष्प होएगा उस ऊर्जा के साथ मिलकर के वो जो तुम्हारी नथनों में जाएगा ना बेटा वो छठे घर को जगाने वाली ताकत वाला एक वो ऊर्जा वहां से पैदा होती है और उससे तुम्हारा वो दिमाग एक्टिव होगा, समझिए उससे वो एक्टिव होगा छठा घर जागने लगेगा। जब 43 दिन लगातार गिरा के आओगे नेचुरली बात है उसमें से वो आएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बेटा कोई छोटा मोटा तालाब ढूंढ लो, पर तालाब भी मिट्टी वाला, स्विमिंग पूल मत ढूंढना। कई वो तर्क संगत लोग बोलते हैं ना कि नहीं स्विमिंग पूल भी तो तालाब ही है, लेकिन बेटा जहां नीचे मिट्टी हो ठीक है छोटा तालाब ढूंढ लो और ऐसे में ढूंढना बेटा जिसके अंदर तुम वाकई में आराम से नहा सको, कहीं गहरे में मत चले जाना ठीक है, या तालाब के अंदर 43 से नहाओ छठा घर पूरी तरह से जाग जाएगा ठीक है। ग्यारहवां घर, अब तुम्हारा ग्यारहवां घर डैमेज उसके अंदर रहो, उसके लिए 4 नारियल पूजा वाले लेके उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के काले तिल लगा के इसको बेटा हर महीने तुम मंदिर में देना शुरू कर दो, भले शनि मंदिर में दे दो ठीक है। मात्र ये दो उपाय करने से अब जो तुम्हारी बुद्धि जागृत होगी वो तुम्हें अपने आप उस कर्म तक भी ले जाएगी जिसके अंदर जाकर के तुम वाकई में एक बहुत अच्छी नौकरी के हकदार बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लगन का सूर्य, धन भाव का बुध और पराक्रम स्थान का मंगल तुम्हारे अंदर वाकई सारी खासियतें तो दिया हुआ है लेकिन ये हिस्सा रोक रहा है, तो इसको करो बहुत जल्दी नौकरी तुम्हें अपनी मनपसंद की मिलेगी ठीक है बेटा। कोई और सवाल पूछना चाहता है जी? गुरु जी बेटा है मेरा, हाँ हाँ। नाम है राहुल गुलाटी, हाँ, हाँ जी 25 अक्टूबर 1998 जन्म स्थान है सहारनपुर, और समय सुबह 5:10। और सवाल क्या है आपका? हाँ जी सवाल ये है कि वो ना मतलब जैसे एक ठहराव नहीं है उसकी जिंदगी में, एक तो स्वास्थ्य कष्ट बहुत है उसको, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है उसके साथ, और दूसरी बात जैसे गेम्स में था तो नेशनल लेवल पे गया उसको छोड़ दिया एकदम से, अभी पढ़ाई कर रहा है करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाती उससे, तो उसको लेके हमें बहुत टेंशन रहती है कि क्या होगा कल इसका। मैंने अभी ये पिछले एपिसोड में बताया बेटा कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त में कोई ग्रह आगे हो और कोई उसके ठीक पीछे भी होते हैं, जो दृष्टि डाल के धरती पे तो अब ऊर्जा वो भेज रहे हैं लेकिन आगे वाले और पीछे वालों के आपस में मिलके दृष्टि जो पड़ती है धरती पे वो एक नई ऊर्जा पैदा करती है, तो तुम्हारी कुंडली में यही एक लोचा हो गया बच्चे की कुंडली में। इसके अंदर केतु देव की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ गई जिसके चलते हुए ये जो एक योग होता है इसके अंदर बच्चे का धीरे धीरे करके वो बहुत कड़वा हो जाता है, कड़वी जुबान बोलने लगता है, किसी भी काम को करते हुए बीच में काम खराब होते हैं, सही शक्ति भी खराब होती चली जाती है और लाभ बिगड़ते क्योंकि ये लाभ स्थान के साथ कंसर्न हो गया। ये फिर देखो जो मैंने बोला था वो मेरा बार बार यहाँ पर साफ आपको नजर आ रहा कि जिसको भी काम से लाभ से संबंधित दिक्कत आनी है उसका लाभ स्थान डैमेज होता है ये। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, इसकी कुंडली के अंदर छठा घर जागृत है, छठा घर जागृत है और इसको अगर इसने जगाए रखा तो ये बच्चा बहुत काबिल बन सकता है, इसमें कोई तरह नहीं। दूसरी बात, सूर्य की दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ती है तो इंसान की जो फितरत है उसमें चलाकी का मिश्रण कम होता है लेकिन गुस्से का मिश्रण ज्यादा होता है, और वो कहता ये है तो अगर वो गलत काम भी करे तो वो ये कहता कोई बात नहीं देख लूंगा मैं सामने आऊं मैं अपने आप कर लूंगा ये सब बोलता है,
लेकिन क्योंकि चलाकी नहीं होती कि किस तरह से इस माहौल को सिचुएशन को रखते हुए अपना काम निकाल के निकल ले, तो ये दुर्गुण इसने दे दिया बेटा। अब इनको अगर ठीक करना है तो वो उपाय ही है, और वो उपाय क्या होगा? सबसे पहले हमेशा रसोई घर में खाना खाए, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी भी कमजोरी है, ठीक है। समय समय पर इसको खांसी की दिक्कत भी आएगी, समझे, ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर घर के आसपास में कीकर का पेड़ हुआ तो फिर तो इसकी समस्याएं बहुत ही बढ़ेंगी, इसलिए कीकर का पेड़ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कीकर में से शनि की एनर्जी निकलेगी और शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ के वो खराब हालात दे रही है, ठीक है। साथ ही वो जो नारियल वाला मैंने अभी दूसरों को उपाय बताया था, चार नारियल पूजा वाले लेके उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तेल लगा के, ये हर महीने बेटा ये शनि मंदिर में ये दिलवाते रहो, ठीक है। यहां से शनि को अच्छा करके चलने के लिए तुम्हें करना क्या है, 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा ये लेके घास वाली जमीन में दबा, इस शनि को यहां खत्म करना जरूरी है। अब केतु को मंगल पे जो दृष्टि डाल के उसको खराब कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए जो इसकी मानसिकता में एक पिनकबाजी देता है, लड़ाई करने की वजह ज्यादा देगा, जो दूसरों को कुछ ना समझना वो आदत देगा, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये केतु की दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण ये मानसिकता जन्म लेती है, तो यहां केतु के लिए चूना 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी की काले सफेद कपड़े में लपेट के 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो, इससे जल भी पवित्र होगा, चूने से हमेशा जल पवित्र होता है, मिनरल्स भी आते हैं, जल भी पवित्र होगा, दुनिया का भला भी होगा, और तुम्हारे बेटे की ऑरा भी क्लीन होकर के केतु हट के मंगल पूरी तरह से अच्छा फल देने लगेगा, और तुम अगली बार कह दो कि मेरे बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, मेरा बच्चा अच्छा हो गया, ठीक है बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, खुश रहो। आप सभी का स्वागत है, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा, यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है, या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है, और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है, मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कलह उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनुराशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है, कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी, शुभ समाचार प्राप्त होगा। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपका नाम क्या है और जन्म का समय, तिथि, स्थान बता दीजिए सवाल पूछने से पहले। जय माता दी, खुश है बेटा। मेरा नाम मेघना सचदेवा है, मेरा जन्म तिथि है 12 सितंबर 1996, समय है 12:04 दोपहर के। कहाँ का जन्म है बेटा? दिल्ली का। हाँ, क्या जानना चाहता बेटा? गुरु जी, मेरी हेल्थ बहुत वो रहती है, हेल्थ क्राइसिस बहुत रहता है, प्लस मेरा कैरियर कहीं पे सेट नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी फील्ड्स ट्राई कर रही हूँ बट मेरा कैरियर अभी कहीं सेट नहीं बैठ रहा है। बेटा जब अभी हमने 2 एपिसोड पहले ये शुरू किया तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी किसी का कोई स्वास्थ्य खराब होता है, जब भी किसी की जिंदगी के अंदर भूचाल आते हैं, चाहे वो थॉट लेके आए, हालात लेके आए, या हमारे शरीर के अंदर की जो कमियां उत्पन्न होती हैं, उनमें राहु जरूर होता है, तो इसके कुंडली के अंदर भी बेटा यही सेम सिचुएशन बनी कि सूर्य बुध राहु इसके 10वें स्थान के ऊपर, और शनि देव की दृष्टि जो कहता है जिंदगी में कभी भी कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल ये लगे रहेंगे, अभी हॉस्पिटल तो बाद में ये कोर्ट कचहरी की तरफ भी लेके जा सकता है। कारण ये है कि सहन शक्ति धीरे धीरे करके कमजोर हो जाती है, समझिए, आदमी प्लानिंग बना के जो चीज कर्म को करता भी है उसके अंदर जब
कोई ना कोई भावना स्वार्थ की भी अपने हो, जो कि सामने वाले के लिए भी होती है इस तरह की कि नहीं उसको नहीं ये मिलना चाहिए क्योंकि उसके साथ खुंदक हो गई, और तब जो मानसिकता जन्म लेती है उसके प्रति अपनी खुंदक के बेटा वो चीज कोर्ट कचहरी को भी जन्म देती है। ठीक है, तो ये वाले हालात ये बना गया। और दूसरा एक और योग, मंगलदेव अष्टम भाव में अगर तुम्हारा घर साउथ फेसिंग हुआ, घर के सामने पार्क मैदान खाली प्लॉट हुआ या कीकर बेरी नीम या पीपल का पेड़ घर के आसपास हुआ, तो बेटा तुम बार बार अब बीमार रहो और कोई कारण नहीं समझ आएगा और कोई डॉक्टर पूरी तरह से डायग्नोस करके तुम्हारी एक बीमारी का तो ट्रीटमेंट कर देगा लेकिन एक के बाद जो दूसरी आने वाली उसका क्या करेगा। ठीक है, ये एक के बाद एक बीमारी ना आए इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि साउथ फेसिंग घर में कभी नहीं रहना, घर के आसपास कीकर बेरी नीम या पीपल का पेड़ ना हो और बहुत बड़ा खाली मिट्टी जिसमें उड़ती हो ऐसा कोई ग्राउंड ना हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है और ये शनि और राहु के इलाज को करना बहुत जरूरी है। और ये उपाय क्या है, सबसे पहले 900 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा के रखो, क्योंकि दूध के साथ मिलकर के जौ में से जो एनर्जी निकलती है बेटा वो बड़ी जबरदस्त किस्म की इम्यूनिटी देने वाली होती है। ठीक है, और साथ ही 43 दिन जौ को दूध के साथ धोकर उसको जलप्रवाह कर दो। ठीक है, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, दूसरे उपाय के अंदर बेटा हर शनिवार को थोड़ी सी उड़े साबुत को सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में लपेट के वो जो डकोत वगैरह आते मांगने के लिए बेटा तेल मांगने के लिए उनको दान में देते रहो। ठीक है, काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग तुमने कभी नहीं करना, ये अगर किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इनसे बच के रखो। और तीसरा, तुमने जब भी मंदिर में जाना है चाहे गुरुद्वारे जाओ मंदिर जाओ जिस भी धार्मिक स्थान में जाओ, कुछ ना कुछ मीठा जिसके अंदर सफेद रंग भी हो जैसे कोई पताशे बर्फी, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ मीठा तुम जरूर लेकर के। ठीक है, ये तुम लेकर के जाओगे तुम्हारी जिंदगी वाकई में और समझेगी। और एक बात और बेटा, क्या तुम्हें ज्योतिष पढ़ने में भी इंटरेस्ट है? ठीक है, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा बेटा नौवें घर के अंदर जो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान बनाता है और दूसरे घर का बृहस्पति भविष्य में, तुम कोई ना कोई ऐसी विद्या जरूर सीखोगी जिससे कि दुनिया का भला होगा, और जब तक तुम वो विद्या सीखनी नहीं शुरू करती और उसको वाकई में लोगों को लिए इस्तेमाल करके उनका भला नहीं करना शुरू करती, तुम्हारी जिंदगी के अंदर वाकई में जो बहुत अच्छा इज्जत का उठाव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और तुम्हारी कुंडली के अंदर ये योग है कि तुम्हारी बहुत बड़ी इज्जत होगी और एक समय के अंदर तुम भी किसी गुरु के स्थान पे हो। ठीक है, तो ये उपाय करो, दाता जरूर सुख देगा। क्वेश्चन, गुरुदेव हम सब चाहते हैं कि हम धनवान बने अमीर बने, और अगर धनवान ना भी बने तो थोड़ी सी जो घर की परिस्थिति है वो तो सुधर ही जाए, और उसके लिए कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कई दर्शकों का ये सवाल है, अधिकतर लोगों ने मुझसे भी ये पूछा है कि पूजा करते हैं, ठीक है, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कमी हो रही है हमारी एंड से? बेटा लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाना हो जी तो जन्म कुंडली का तो जो घर जिम्मेवार होता है वो होता है दूसरा और चौथा, क्योंकि दूसरे घर से लिक्विडिटी और चौथे घर से जमा पूंजी ये देखी जाती है। लेकिन इसके बीच में कर्म भी तो बहुत जरूरी है, यानी कि जन्म कुंडली का दसवां घर छठा घर। ठीक है, अब जिनके यहां वाकई में गरीबी रहती है, जिनके यहां पैसा पूरी तरह से नहीं आ पाता और बार बार तकलीफें जीवन के अंदर आकर के हमेशा अपने कामकाज को ही खराब करता है और जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, इसका मतलब यह है बेटा कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर दसवां घर दूसरा घर और चौथा घर इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। और जिसके भी दसवें दूसरे चौथे घर में कोई ग्रह नहीं होते बेटा उनके साथ में ये समस्या होती होती है, और ऐसे लाखों नहीं करोड़ों इंसान है। तो आज हम आपको वो वाला उपाय बताते लाल किताब के जो इस समस्या से बिल्कुल आपको निकाल सके। सबसे पहले हमें अपने कर्म क्षेत्र को जगाना होता है कि हम काम अच्छा कर सके, हमारी नौकरी या धंधा ना छूटे और वो लगातार बना रहे। सबसे पहले इसके लिए कर्म करना बहुत जरूरी होता है, और वो कर्म क्या है, 43 दिन लगातार दो मुट्ठी सौंफ या तो किसी सरकारी संस्थान के अंदर रख के आओ जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं है लेकिन वहां की एनर्जी साथ में लेके आएगा, या फिर जहां ये कोई सरकारी भवन की छाया पड़ती हो वहां जमीन के अंदर भी वो दबा सकते हैं, तो इससे दसवां घर जागृत हो जाता है। ये लाल किताब के अंदर ये विद्या को बताया गया।
फिर उसके बाद में चौथे घर को भी जगा लो। चौथे घर को बड़े आराम से जगाया जाता है बेटा, चौथे घर के अंदर सबसे ऊंच का ग्रह होता है बृहस्पति। तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, जिससे कि चौथा घर जागृत हो जाएगा और उसके बाद दूसरा घर जो इन दोनों को एकदम से जगा देगा। दसवें घर में भी जो अब तुमने उपाय कर दिया, चौथे घर के भी जगा दिया, अब इससे फल लेना है तो उसको लेने के लिए 43 दिन लगातार दूध चावल मिश्री थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर ले जाके मंदिर में रखना शुरू। और जो जो भी इंसान अभी पढ़ाई कर गया है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल रहा, काम में उतरना चाहता है काम का फल नहीं मिल रहा, बार बार नौकरी छोड़ जाती है पैसे का फल नहीं मिल रहा, नगर पैसा बचता नहीं, उन सब के लिए ये उपाय अमृतमय होगा। और जो जो ये कर लेगा उसके घर पर लक्ष्मी मैया स्वयं चल करके आएगी। इससे पहले आगे बढ़े मकर कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं गुरुदेव से। मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है हरीश रिजवानी जो कि इंदौर से जुड़े हुए हैं। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय और स्थान बता दीजिए। जन्म समय 1968 सुबह 8 बजे इंदौर। मेरा सवाल ये है कि मेरा कर्जा एक चक्कर उतरता है फिर वापस चल जाता है, इसका कोई उपाय बताइए। अब इसके पीछे की मैं तुम्हें साइंस बताता हूँ जो इनकी जन्म कुंडली में है जी। इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा तुम्हारी में सबसे पहले जो तुम्हारा कर्म स्थान है वही दृष्टिहीन हो गया है, बिल्कुल अंधा हो गया है। और ये यहाँ पर दो ग्रह यानी कि शनि और चंद्र दोनों मिलकर के बैठे हुए शनि को इतना खराब कर गए हैं कि कामों के लिए कंफ्यूजन हमेशा खड़ा रहेगा, घर में सीलन आएगी। अगर पैसे को जमा करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हारी ही सोच विचार तुम्हारे आइडिया के ऊपर वो खर्च होकर के खत्म होगा। ये योग बड़ा गंदा है। उसका कारण क्या है, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 12वां घर भी जागरा हुआ है जिसके अंदर सूर्य मंगल और शुक्र का मेल यानी कि खर्चे ज्यादा करवाता है। तो खर्चे का घर ही जाग गया तो अब वो प्लानिंग वाली वो बुद्धि तो आएगी नहीं जो पैसे को जमा कर दे, हमेशा खर्चे की आएगी। तीसरा बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बुध देव का 11वें स्थान के अंदर होना ये नई नई स्कीमें नई नई चीजों को सोच करके उनके अंदर उतर के अपने आप की स्थिरता को भी ये कमजोर करने का काम करता। और ऊपर से तुम्हारे ऊपर राहु की महादशा आ गई जो कि भाग्य को चोट देती है। तो इतने सारे रीजन बन गए। अब तुम्हें बचना किस चीज से है, वो ये बचना है कि अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं पर भी कोई गंदा पानी इकट्ठा होता है, अगर उस जगह पर तुम रहोगे तो तुम्हारे वो जो गंदा पानी की जो ऊर्जा उठती है बेटा वो तुम्हारे नसों से जैसे जैसे अंदर जाएगी वो तुम्हें हमेशा ऐसी ही मानसिकता की देगी कि जिसके अंदर तुम काम ना बढ़ा सको और तुम्हारे काम खराब हो। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उस माहौल से बचना है कि जहां पर गंदा पानी इकट्ठा ना हो तो तुम्हें वहां रहना है। दूसरा, तुम्हारे अपने घर में भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इस वक्त में खास तौर पे तुम बेटा नीले और काले रंग के वस्त्रों से प्रयोग के दूर रहोगे, क्योंकि ये प्रयोग करोगे तो चंद्रमा ये डैमेज ही रहेगा और शनि भी खराबी देगा। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले उपायों के रूप में तुम्हें क्या करना है, बुध को कंट्रोल करो। जो नई नई बुद्धि से जो पैसा खराब होने के अलार्म बनाता है उसको कंट्रोल करने के लिए तांबे का छेद वाला पैसा लेके सफेद रंग के धागे में परोके वो अपने गले में धारण करो। दूसरा, यहां चंद्र शनि के मेल को ठीक करने के लिए तुम्हें करना है 43 दिन लगातार
तुम्हें सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना, उसके अंदर नमक, चीनी, ग्लूकोज, क्रैश, खटाई कुछ भी हो, मिठाई कुछ भी हो, तुम डाल के पियो टेस्ट चेंज होने तक। ये काम जरूर करो और साथ ही हर शनिवार को थोड़ी सी काली स्याही लेके उसको बेटा मंदिर के अंदर देते रहो, कांच की शीशी में डाल के, ठीक है। ये उपाय करना मत भूल बेटा, इतने से ही किए हुए उपाय तुम्हें इस बुरे वक्त से निकालने के लिए काफी। इसके साथ में अगर तुम सोने की चेन गले में पहनते हो, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाते हो और अपने शरीर का जोश बनाए रखने के लिए घर में कुत्ता पालते हो, तो बेटा ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और तुम अपनी जिंदगी के अंदर वाकई में जितनी काबिल तुम्हारी कुंडली है बृहस्पति के धनभाव में होने से उसका पूरा असर मिलकर के तुम वाकई अपने काम धंधे में पूरी तरह से खिल के निकलोगे और तुम्हारे पास कोई कमी भी नहीं होगी। खुश है बाबा, आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी, आपके जीवन में भी धन की बरसात जरूर होगी। पर इसके लिए आपको करना बस इतना है कि गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालने हैं। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश है बख्शन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गुरु मंत्र की खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।